हेमंत सोरेन ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा, झारखंड के खुशहाली और समृद्धि की कामना की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रजरप्पा पहुंचे। यहां पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना कर झारखंड के खुशहाली और समृद्धि की कामना की। हेमंत के साथ परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे इस मंदिर में। हेमंत सोरेन सीएम बनने के बाद पहली बार मां छिन्नमस्तिका के मंदिर पहुंचे। हेमंत की जैसे ही आने की सूचना मिली तो पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मंदिर के पास पहुंच गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। यहां पर हेमंत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। कई बड़े फैसले लिए। हेमंत ने 29 दिसंबर को झारखंड के दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। शपथ लेने के बाद पहले ही दिन बैठक कर कई बड़े फैसले झारखंड को लेकर किए थे, जिसकी जमकर तारीफ भी झारखंड के लोग कर रहे हैं। इसमें खास बात थी कि पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान जिन हजारों लोगों पर केस दर्ज था उनको वापस लेने का आदेश दिया था। यही नहीं, झारखंड में कई सालों से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षक और आंगनवाड़ी सेविकाओं के बकाए पैसे का जल्द भुगतान करने का निर्देश भी दिया था। नए साल के मौके पर हेमंत ने खरसावा में गोलीकांड में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा था कि खरसावा गोलीकांड में शहीदों के आश्रितों को नौकरी और पेंशन मिलेगा और वह सम्मान की जिंदगी जियेंगे।